दोस्तों, गर्मियों के मौसम में प्यास बुझाने के लिए हर कोई ठंडे पानी का सहारा लेता है। भले ही ठंडा पानी पीकर आपको तुरंत राहत मिल जाती हो, लेकिन यही राहत आपको आगे चलकर परेशान भी कर सकती है। खासकर जब बाहर धूप से घर में घुसते ही आप भी सीधे फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीते हैं, तो सीधे तौर पर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं ठंडे पानी के सेवन से सेहत को पहुंचने वाले नुकसानों के बारे में। जैसे नंबर एक, वजन बढ़ने का कारण। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से पेट पर चर्बी जमा होने लगती है। ऐसे में कोशिश करें कि कम से कम ठंडा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं। गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी में मौजूद फैट आसानी से बाहर निकल सकता है। नंबर दो, एनर्जी। ठंडा पानी पीने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगता है, जिससे शरीर में काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। शरीर सुस्त रहता है और एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। नंबर तीन, कब्ज। कब्ज की समस्या है तो आपको ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी पीने से आपकी कब्ज की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़रूरत से अधिक ठंडा पानी पेट की मांसपेशियों को कठोर कर देता है, जिससे पेट से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर चार, खाना पचाने में दिक्कत। ठंडा पानी पाचन क्रिया को कमज़ोर करता है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत आती है। मेडिकली प्रूव हो चुका है कि अधिक ठंडा पानी पीने वालों के पेट में अक्सर दर्द रहता है। ठंडा पानी आपके हार्ट रेट को कम करता है, क्योंकि इससे गर्दन के पीछे मौजूद एक नस प्रभावित होती है, जो कि हार्ट रेट को धीमा कर देती है। नंबर पाँच, डिहाइड्रेशन। ठंडा पानी प्यास बुझा देता है, बल्कि नॉर्मल पानी प्यासे आदमी की प्यास को और भी बढ़ा देता है, जिससे थोड़ी देर बाद व्यक्ति और पानी पीता है, जिससे शरीर डिहाइड्रेट होने से बच जाता है। वहीं अगर ठंडे पानी से ही पूरे दिन प्यास बुझाई जाए, तो चाहकर भी पेट में पानी की उचित मात्रा नहीं हो पाती है। नंबर छः, गले में इन्फेक्शन। ठंडे पानी के सेवन से गले में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी कफ का कारण भी बन सकता है। जो बच्चे अधिक ठंडा पानी पीते हैं, उनके गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं, जिसका असर उनके शारीरिक विकास पर पड़ता है। ऐसे में खुद भी नॉर्मल पानी पिएं और बच्चों को भी सादा पानी दें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।